नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय। आज मैं फिर से YouTube चैनल में हाजिर हुआ हूँ एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर लेके। तो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर विथ विथ मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड द प्रोसीड एट 3/4 ऑफ इट्स फॉर्मल स्पीड and arrive at its destination 35 minutes late. Had the accident occurred 24 km farther, it would have reached at the destination only 15 minutes late. Find the normal speed of the train. एक रेलगाड़ी अपनी 50 किलोमीटर के बाद में एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो 3/4 उसकी नॉर्मल स्पीड से वो चल रही है, तो 35 मिनट बाद में पहुंचती है डेस्टिनेशन पे। अगर उसके बाद में 24 किलोमीटर बाद में अगर एक्सीडेंट होता तो वो 15 मिनट लेट पहुंचती, तो बताइए उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है। तो दोस्तों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी मेंस में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मुझे उम्मीद है इस साल भी ये रिपीट होगा, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं कि यहां से ट्रेन चल रही है और वो यहां पर पहुंच रही है। अब यहां से ट्रेन चली और यहां पर पहुंची, और वो क्या बोल रहा है कि 50 मिनट के बाद में पचास किलोमीटर के बाद में क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 50 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, 50 किलोमीटर। और यहां से यहां तक वो ट्रेन जब चल रही थी तो वो अपनी एज यूजुअल स्पीड से चल रही थी, और एक्सीडेंट के बाद में क्या होता है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड उसकी अब चेंज हो जाती है कितनी, 3/4 उसकी स्पीड है, वो चेंज हो जाती है अब। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी डेस्टिनेशन की अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। तो अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4/3। टाइम क्या हो जाएगा, 4/3, कि पहले क्या कर रहा था कि वो स्पीड थी 3/4, यानी कि पहले अगर वो नॉर्मल स्पीड से चल के आ रही थी तो कितने 3 मिनट टाइम ले रही थी, और अब वो एक्सीडेंट के बाद में चल रही है तो वो क्या ले रही है, 4 मिनट टाइम ले रही है, 4 मिनट टाइम ले रही है। और यहाँ क्वेश्चन में वो कितनी लेट चल रही है, 35 मिनट का टाइम ले रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे इनटू 35, एक यूनिट की वैल्यू 35 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 105 मिनट। यानी कि यहां से और यहां तक पहुंचने में 105 मिनट लेगी, यहां से यहां तक पहुंचने में 105 मिनट लेगी। अब वो बोल रहा है कि अगर इसके बाद में 24 किलोमीटर आगे वो अगर एक्सीडेंट होता, अगर मान लेते हैं यहां इसके और इसके बीच की दूरी ये 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर के बाद में अगर एक्सीडेंट होता तो भी उसकी नॉर्मल स्पीड से अगर वो चलती तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचती। तो अब यहां पर भी क्या करेंगे, उसकी स्पीड पहले कितनी थी, 3/4, टाइम अब उसकी क्या हो गई, 4/3, यानी कि पहले भी कितनी थी, नॉर्मल स्पीड से अगर चल रही थी एक्सीडेंट से पहले तो 3 की स्पीड से चल रही थी, और अब उसकी स्पीड चेंज हो गई कितनी, 4 हो गई, कितना, 1 यूनिट का फर्क आ रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी देरी, 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू मैं यहां पर कर देता हूं 15 = 45 मिनट। तो यहां से यहां तक की दूरी को तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट का टाइम लगेगा। अब वो बोल रहा है फाइंड द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड क्या होगी, यहां से लेकर इस डेस्टिनेशन तक ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है, 105 मिनट लग रहा है,
और यहां से यहां तक ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है। अब इन दोनों यानी इस 24 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है डिस्टेंस, अगर मुझे निकालना है, सॉरी स्पीड निकालना है, तो 105 में से 45 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये 24 किलोमीटर का आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं 24, और 105 में से, अगर 105 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 मिनट, टाइम आ जाएगा 60 मिनट। टाइम क्या आ जाएगा मेरा, 60 मिनट आ जाएगा। तो अब मुझे स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस निकालना, तो क्या होता है स्पीड अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 60 मिनट है, तो 60 मिनट को मैं अगर एक एक घंटा भी लिख सकता हूं, 1 आवर, तो कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। किस हिसाब से क्या आ रही है इसकी स्पीड, आ रही है 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या आ गई इसकी स्पीड, आ गई स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 24 किलोमीटर इसकी दूरी थी, टाइम 105 टोटल में लगा, 45 मिनट इसमें लगा, माइनस किया 60 मिनट, 60 मिनट को 1 घंटा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, डिस्टेंस इस क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा, लेकिन अगर मुझसे नॉर्मली पूछ लेता डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पहले कितनी चल रही थी, 50 किलोमीटर, प्लस फिर कितनी चली, 24 किलोमीटर, प्लस उसके बाद में कितनी चली 45 मिनट में, तो 24 इंटू 45 अपॉन इतना 60 से मैं कर देता हूं, तो 20 दिए 60 और 8 3 24, 3 को 3 15, 3 को 3 इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं। पंद्रह चौक 60, 6 चौक 24, और यह हो गया कितना, 4 1 4 15 3 45, तो ये कितना हो गया 18, प्लस इसको इसको जोड़ूंगा तो 4 7 इक्वल टू 8 4 12, 7 1 8 1 9, 92 किलोमीटर। तो ये 94 92 किलोमीटर क्या हो गई इसकी डिस्टेंस हो गई, इसकी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। पिछले साल क्वेश्चन में पूछा गया था स्पीड, इस बार हमें पूछा गया है, अगर डिस्टेंस पूछ लेता डिस्टेंस इसी तरीके से कि 50 किलोमीटर ही है, 24 किलोमीटर ही है, प्लस आगे 45 मिनट में जो दूरी तय करी है, तो प्लस 24 इंटू 45 इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाई 60, तो 15 चौके 60, 6 चौक 24, 4 1 4 4 1 4 और 15 3 45, तो 6 3 18, 74 92 किलोमीटर इसकी दूरी आएगी। तो चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी पीछे जो क्वेश्चन था वैसे ही सेम क्वेश्चन है। ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 9 AM, आफ्टर 4 आवर ट्रेन मीट्स विथ एक्सीडेंट एंड देन प्रोसीड 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड एंड लेट बाय 40 मिनट। ही हैड एक्सीडेंट ओकर्ड 150 किलोमीटर फार्दर, इट वुड हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट, फाइंड द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो
इसके अंदर क्या है कि कोई रेलगाड़ी 9 बजे चल के 4 घंटे बाद में वो एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसकी नॉर्मल स्पीड है वो 2/3 होती है। नॉर्मल स्पीड से अगर वो चलती है तो वो 40 मिनट लेट पहुंचती है। अगर वो 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो जाती है तो वो 30 मिनट लेट पहुंचती है। तो बताइए उसकी नॉर्मल स्पीड क्या होगी। मैं मान लेता हूं कि ये ट्रेन है, यहां से यहां तक जाना है इसको, तो ये ट्रेन यहां से कितने बजे स्टार्ट हुई, 9 AM। अब वो 4 घंटे के बाद में मान लेते हैं कि यहां पर आके वो एक्सीडेंट हो गई, तो ये जो दूरी तय कर रही है वो कितने टाइम में कर रही है, 4 आवर्स में दूरी तय कर रही है। उसके बाद में वो एक्सीडेंट हो जाती है, यहां पर उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद में वो यहां से यहां तक की दूरी नॉर्मल स्पीड है, उसकी स्पीड क्या है, 2/3 से चलती है, तो वो 30 मिनट लेट हो जाती है। तो मुझे टाइम निकालना है, तो मैंने बताया था कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी कि पहले यहां से यहां तक चलने में वो अगर 2 यूनिट टाइम ले रही थी तो अब कितना ले रही है, वो 3 यूनिट टाइम ले रही है। तो कितना ज्यादा ले रही है, 1 यूनिट टाइम ज्यादा ले रही है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, 40 है। यहां पर 40 मिनट है, तो मैं यहां पर 2 यूनिट की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 40 = 80 मिनट। तो इस यहां से यहां तक की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 80 मिनट। अब वो बोल रहा है कि इसके बाद में अगर वो 150 किलोमीटर और आगे चल के, मान लेता हूं यहां से यहां तक की दूरी वो 150 किलोमीटर और तय कर लेती है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो टाइम है वो कितने, 30 मिनट लेट पहुंचती है। तो यहां पर भी स्पीड उसकी कितनी है, 2/3, नॉर्मल स्पीड जो दे रखी है वही है 2/3। तो टाइम उसका क्या हो जाएगा, 3/2, यानी पहले वो नॉर्मल स्पीड 2 की थी, अब वो उसकी स्पीड बदल जाती है, कम ज्यादा हो जाती है, कितनी, 3 हो जाती है। तो वो अब कितनी लेट पहुंच रही है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट = 30 मिनट, (30) कर दूंगा मैं, = कितना आ जाएगा, 60 मिनट, 60 मिनट हो जाएगा। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी देर में तय करेगी, वो 60 मिनट में दूरी तय कर लेगी। अब मुझे निकालना क्या है, स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 150 किलोमीटर की। टाइम ये पूरी कवर करने में कितना, 80 मिनट ले रही है, और यहां पर ये यहां से यहां तक का कवर करने में कितना ले रही है, 60 मिनट ले रही है। तो मैं इसको इस तरीके से टाइम निकालूंगा, 80 - 60 = 20 मिनट। अब इसको अपॉन 20, इसको घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो अपॉन 60, तो मैं काट दूंगा 20 + 20 = 20, 20 + 30 = 60, और ये कितना हो जाएगा, 150 = 450, 450 किलोमीटर पर आवर की ये क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई है 450 किलोमीटर पर आवर की, क्या आ गई, स्पीड आ गई है। अगर मुझे डिस्टेंस पूछ लेता कि उस यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, मैं आपको बता देता हूं। तो डिस्टेंस निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे 150 किलोमीटर ये दे रखा है, मेरे पास स्पीड आई 450, 450 के हिसाब से, और ये कितनी देर में कर पीछे कितना, 4 घंटे बाद में, (4) + ये कितना है, 150 + यहां का टाइम निकालना है मुझे, यहां का टाइम निकालना है। तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, 450 * 60, 450 * 60 का 1 आवर मान लेता हूं, 1 = ये कितना जाएगा, 0 0, 1800 + 150 + 450 = कितना आ जाएगा, ये 0 0 0 10, 0 4 5
5 1 6 14 2 2400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आई इसकी, 2400 किलोमीटर आ गई। डिस्टेंस इसकी 2400 किलोमीटर आएगी और स्पीड उसकी 450 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि ये ना दुरंधा है ना शताब्दी है, ये क्या बुलेट ट्रेन आ गई, इतनी स्पीड से चल रही है। तो दोस्तों हम इस तरीके के क्वेश्चन हर बार मेंस में पूछा जाता है, तो हमें बड़ा ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझना है और इसको सोल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। ए गुड ट्रेन एंड ए पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। द ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड और टेक्स एंड क्रॉस हिज ट्रेन कंप्लीटली इन 60 सेकेंड। वे पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन आर इन रेशियो 1:2 देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। एक मालगाड़ी किसी पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ में पहले ट्रैक में चल रही है और सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो जो मालगाड़ी का जो ड्राइवर है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन वो पीछे से आई और 60 सेकंड में उसको क्रॉस कर गई, बट पैसेंजर ट्रेन के यात्री हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसको 40 सेकंड में क्रॉस कर रही है और उनका स्पीड का रेशियो 1:2 है। तो बताइए उनका लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले उसने दे रखा है क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, उसने स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 1:2, 1:2 दे रखा है। अब मान लेते हैं कि मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों की लेंथ, तो मैं मान लेता हूं L1 + L2। अब मालगाड़ी का जो ड्राइवर है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि पहली कौन है, मालगाड़ी है, पहली मालगाड़ी को वो 60 सेकंड में क्रॉस कर देती है। कितनी देर में क्रॉस कर देती है, वो 60 सेकंड में क्रॉस कर देती है, किसको, मालगाड़ी को। तो मैं मान लेता हूं इनटू 60 = 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब वो बोल रहा है कि पैसेंजर ट्रेन के यात्री ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पैसेंजर ट्रेन कौन सी है, दूसरी है, कौन सी है पैसेंजर ट्रेन, कौन सी है, L1 है, और मालगाड़ी कौन सी है, L2 है। तो पैसेंजर ट्रेन L1, इसके यात्री क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो 40 सेकंड में क्रॉस करती है, इनटू 40 = 40 सेकंड। पैसेंजर ट्रेन के यात्री पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी को 60 सेकंड में क्रॉस कर देती है, ठीक है। अब वो तो इन दोनों की मैं लेंथ मान लूंगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी क्या कर रही है, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो इन दोनों की लेंथ है L1 + L2 मान लिया इंटू 60 सेकंड में। अब L1 उसके यात्री ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो 40 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो मेरे पास आ जाएगा L2 आ जाएगा, L2 निकालूंगा तो क्या आएगा, L1 40 60, ये हो जाएगा 20 सेकंड, 20 सेकंड हो जाएगा। तो मेरे को रेशियो निकालना दोनों का, L1 = L2, तो L1 = L2 लिखूंगा। तो मैं L1 कितना है, 40 है, L2 कितना है, 20 है, तो ये जगह 2:1, यही रेशियो मेरे सामने निकल के आएगा, 2:1। तो दोस्तों हमें इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए ट्रेन पास टू पर्सन हु वाज वॉकिंग वॉकिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इन विच द ट्रेन इज मूविंग एट द रेट ऑफ 5 m/s एंड 10 m/s इन 6 and 5 seconds रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की लेंथ तो मैंने बताया था कि किसी पेड़ को
किसी पर्सन को अगर वो क्रॉस करती है तो वो अपनी रेस्पेक्टिव लेंथ के बराबर वो उसको क्रॉस करती है। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, पहले वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पहले वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है और कितने टाइम ले रही है, 6 सेकंड का टाइम ले रही है। दूसरा वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है और टाइम कितना ले रही है, 5 सेकंड ले रही है। अब मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ मेरे पास दी हुई नहीं है तो हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं, मैंने मान लिया लेंथ ले लिया एक्स प्लस 5 मीटर सेकंड, 5 × टाइम 6 इक्वल टू। दूसरी क्या है मेरे पास, वही रिलेटिव स्पीड, मैंने एक्स प्लस 10 × 5। इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे, ये क्या है मेरे पास रेस्पेक्टिव स्पीड है किसकी, रेस्पेक्टिव स्पीड और लेंथ है किसकी, ट्रेन की। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 6x+30 = 5x+50। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितना जाएगा, x = 20 आता है। तो इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो 20+5 × 6 कितना आएगा, 25 × 6 = कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, 150 150 मीटर लेंथ। ट्रेन की कितनी लेंथ आएगी, 150 मीटर लेंथ आएगी, 150 मीटर लेंथ आएगी। दोस्तों अगर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड इस तरीके से भी हो सकता है कि यहां पर कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं सॉरी, ये हो गया स्पीड इंटू टाइम। तो कितना आ जाएगा, 5 × 6 = 30 और ये हो जाएगा 10 × 5 = 50। अब दोनों का क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। कितने का अंतर आ रहा है, 20 का, 20 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, 20 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। और यहां पर मैं मान लेता हूं उसकी लेंथ है x+5 × 6। तो x की वैल्यू अगर मैं रखूंगा 20+5 × 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 6 = 150 मीटर। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर और इसको टाइम को। तो मेरे पास में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगी 30 और 50, दोनों का डिफरेंस आएगा 20। अब 20 को क्या रखूंगा, इसके अंदर एक्स की वैल्यू रख दूंगा, एक्स की वैल्यू रखूंगा 150 मीटर आएगा। लेंथ कितना आएगा ट्रेन का, 150 मीटर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर रन ऑन ए पैरेलल ट्रैक व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, फास्टर ट्रेन पास स्लोअर 1 at 18 सेकंड, व्हेन दे आर रनिंग द अपोजिट डायरेक्शन दे पास ईच अदर इन 9 सेकंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। दोनों की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में मान लेता हूं कि एक ट्रेन की एक्स है, दूसरी मुझे वाई दे रखा है। दोनों के कितने मीटर लंबी है, दोनों को ऐड हो जाएगा तो कितना, 180 180। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कितने मिनट में क्रॉस कर लेता है, 18 सेकंड में × 18। तो ये आ जाएगा x − y = 180/18, काटेंगे 10।
अब वो बोल रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा एक्स प्लस वाई, और कितने सेकंड में क्रॉस कर लेता है, 9 सेकंड में। कितने लंबे हैं, 180 मीटर, तो 9 दूनी 18, 20, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये कितना आ जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, 30, एक्स इक्वल टू कितना जगह 15। अब इसको इसमें एक्स की जगह रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें रख लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, तो यहां पर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना है, 15 प्लस वाई इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 15 और वाई इक्वल टू 5, कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड एक्स की 15 और वाई की 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इन 45 मिनट। इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 48 मिनट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इन किलोमीटर, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि उसके टाइम की, कि वो पहले 45 मिनट में जा रही है, और जब 5 किलोमीटर की उसकी स्पीड अगर कम कर दी जाए तो वो 48 मिनट में पहुंच रही है। तो मैंने स्पीड निकालना है, तो स्पीड मैंने बोला था कि इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो इसको ये जगह 48, ये जगह 45, तो इसको अगर कट करता हूं तो 16 तीय 48, 15 तीय 45, ये आ जाएगा। अब यहां पर कितना है, 1:1 की वैल्यू 5 किलोमीटर दे रखी है, 5 किलोमीटर पर वर्स अगर कम कर दी जाए तो इंटू 5 कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर। स्पीड कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर वर्स की स्पीड हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर की क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड होगी। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो 80 इंटू टाइम कितना है, 45। डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इंटू टाइम 45, ये क्या है, मिनट है, तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 60। अगर हम करते हैं तो इसको काटेंगे, 20 तीय 60, 20 चौक 80, 3 को 3 15 30 45, 15 चौके 60, 60 किलोमीटर, ये क्या इसकी डिस्टेंस है, तो कितनी आई इसकी डिस्टेंस, 60 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर लेके आ रहा हूं मैं बहुत जल्द। तो आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पीछे वाले मेरे लेक्चर सारे पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बट सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ में बेल आइकन बटन प्रेस करके रख लीजिए कि जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपके तक मेरा नया नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके बाय।